नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। जन सरोकार मंच टोंक का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनको कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाए हैं जो साहित्य को और अभिनय को और कविताओं को, कहानियों को जोड़ता है और आपके सामने एक ऐसा प्रतिभा लाता है कि आप कुछ छुपे प्रतिभा भी हैं जो उनमें से मैं भी हूँ, मैं भी छुपा रुस्तम हूँ। और अभिनय करते करते न जाने कब इन्हीं तीन सालों में मुझे कविताओं का थोड़ा शौक चढ़ा। शौक यानी कि मैं यूं ही एक प्रतापगढ़ में चाय पी रहा था और लगभग चाय पीते पीते ही पता नहीं चला कविता कब फूट पड़ी दिल में, पता ही नहीं चला किधर से एक कविता की एक जो नींव होती है वो फूट पड़ी। और वहीं से मैंने एक कविता लिखा, हरे पत्तों से गिरकर नीचे सूखे पत्ते कुछ बोल रहे हैं, और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। मेरे ख्याल से 2017 की बात है वो, जब एक तरफ तो सूखा अकाल पड़ा था और एक तरफ पानी ही पानी था। उन दिनों मैंने एक कविता लिखी थी, हरे पत्तों से गिरकर नीचे सूखे पत्ते कुछ बोल रहे हैं, और तभी से वो कविताओं का दौर शुरू हुआ। फिर आगे मैंने 3-4 कहानियाँ भी लिखी जिनकी अभी मैंने अभी उसको YouTube पे नहीं डाला है, मेरी आप YouTube पे कविताएं सुन सकते हैं। और कविता असल मायने में क्या है वो मेरी कविता का, इसी कविता का माध्यम से आपको बताता हूँ। अनंत शब्द और अनंत शब्दों में उलझी हुई एक अनसुलझी कविता जो कई वाक्यों में कभी कही गई तो कभी कही नहीं गई। मैंने हुई होठों से एक नई कविता की शुरुआत की, वो कविता अभी भी अधूरी है, कविता किसी एक पात्र का इंतजार कर रही है किसी मोड़ पर या फिर उस नदी के किनारे पर जहां आज भी तनहा शामी कटती है, जहां मांझी नदी के इस पार से उस पार चक्कर काटते हुए प्रेम धुन की कोई राग छेड़ता है। इंतजार जीते हुए पात्रों का नहीं बल्कि हारे हुए पात्रों का कर रही, क्योंकि हारे हुए पात्र कविता में आसानी से प्रवेश हो जाते हैं, जीते हुए पात्र के पास केवल जीत के किस्से होते हैं और जीत के किस्से अक्सर मुझे उबा देने जैसा लगता है, जबकि हार के किस्सों में कितनी गहराई छुपी होती है। जीत की खुशी हमारे होठों के कोनों पे कुछ ही क्षण रुकती है, जबकि हार का संघर्ष उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि हारे हुए पात्र जीत ना जाए। ये कविता, इन्हीं कविताओं का वो है अर्थ है कि कविता क्या है, मेरे लिए कविता क्या है। और मैंने जो आपको हरे पत्तों से गिरकर नीचे सूखे पत्ते कुछ बोल रहे हैं, ये मैंने कविता लिखी थी प्रकृति, ये मेरी सबसे पहली कविता है तो मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। हरे पत्तों से गिरकर नीचे, हरे पत्तों से गिरकर नीचे सूखे पत्ते कुछ बोल रहे, घर न रही हरियाली शहर में क्यों अपनी जिंदगी घोल रहे। हरे पत्तों से गिरकर नीचे, हरे पत्तों से गिरकर नीचे सूखे पत्ते कुछ बोल रहे, घर न रही हरियाली शहर में क्यों अपनी जिंदगी घोल रहे। हरे पत्तों से गिरकर नीचे, जब पानी था तो खूब बहाया, जब पानी था तो खूब बहाया क्यों अब कुएं को खोज रहे। जब पानी था तो खूब बहाया क्यों अब कुएं को खोज रहे। अपने दिल को नासूर बनाकर, अपने दिल को नासूर बनाकर क्यों अपने जज्बातों को नोच रहे, घर न रही हरियाली शहर में क्यों अपनी जिंदगी घोल रहे। हरे पत्तों से गिरकर नीचे, हरे पत्तों से गिरकर नीचे
सूखे पत्ते कुछ बोल रहे गर नर ही हरियाली शहर में क्यों अपनी जिंदगी घोल रहे। एक वो दौर था कि किसी शहर में पानी ही पानी था और किसी शहर में अकाल पड़ा था, और इसी से ये पंक्ति याद आई मुझे। किसी शहर में पानी ही पानी, किसी शहर में पानी ही पानी, किसी शहर में प्यासी है नानी। किसी शहर में पानी ही पानी, किसी शहर में प्यासी है नानी। अगर रहे फकीर भी प्यासे, अगर रहे फकीर भी प्यासे, क्यों पाप के भागी बन रहे घर न रही हरियाली शहर में क्यों अपनी जिंदगी घोल रहे। हरे पत्तों से गिर कर नीचे कोई कहे के ये जल गंदा, कोई कहे के ये जल गंदा, कोई कहे निर्मल माँ गंगा, कोई कहे ये जल है गंदा, कोई कहे निर्मल माँ गंगा। पानी की कीमत को समझो, पानी की कीमत को समझो, क्यों कौड़ियों में तोल रहे घर न रही हरियाली शहर में क्यों अपनी जिंदगी घोल रहे। हरे पत्तों से गिर कर नीचे, हरे पत्तों से गिर कर नीचे, सूखे पत्ते कुछ बोल रहे घर न रही हरियाली शहर में क्यों अपनी जिंदगी घोल रहे। हरे पत्तों से गिर कर नीचे, ये पतझड़ हुआ है तो पंछी क्या बोल रहे हैं सुनिएगा। पहले थी चारों ओर हरियाली, पहले थी चारों ओर हरियाली, क्यों आती नहीं बदली ये काली। पहले थी चारों ओर हरियाली, क्यों आती नहीं बदली ये काली। बुलबुल तितली चिड़िया मैना, बुलबुल तितली चिड़िया मैना, बार बार यही बोल रहे घर न रही हरियाली शहर में क्यों अपनी जिंदगी घोल रहे। बुलबुल तितली चिड़िया मैना, बार बार यही बोल रहे घर न रही हरियाली शहर में क्यों अपनी जिंदगी घोल रहे। हरे पत्तों से गिर कर नीचे। तो ये कविता थी जो मैंने, सबसे पहली कविता थी मेरी, और ये एक वाक्य ही है, आप इसको कह सकते हैं एक चमत्कार है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं चाय पी रहा था और एक हरे पत्तों का पेड़ था पूरा, उसमें सारे हरे पत्ते थे, वहीं से एक सूखा पत्ता नीचे आके मेरे बगल में गिरा मेरे पास, तो वहीं से ये कविता मेरे दिल में फूटी, ये कविता लिखने की, और तब से लिखने की, कविता लिखने की चाहत बढ़ गई मेरी, और चाहत बढ़ गई। और शुक्रिया सर, राजकुमार रजक सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर मोड़ पे, अभिनय के मोड़ पे। और राम रतन सर, सूखे पत्ते कुछ कह रहे हैं, वाह, ये एक एहसास ही है सर जो हमें जोड़ती है, कविताएं एक एहसास है, मेरे हिसाब से एहसास है, अगर आप किसी को महसूस कर सकते हैं, किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, तो उस पर आप कविता लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से कविता के मायने यही है। और कविताएं बहुत सारी लिखी मैंने, और लेकिन जो मेरे करीबी कविताएं रही हैं, मतलब समाज में जो सुधार लाए मैंने, वो मेरे प्रेम की कविताएं ज़्यादा रही है, समाज में कम रही है, लेकिन फिर भी मैंने कविताएं लिखी थी समाज के लिए, क्योंकि जो भी लॉकडाउन का समय था और मजदूरों का क्या हाल था आप सबको पता है, कैसे वो मीलों चल के अपने घर की ओर जा रहे थे, उनके पास एक वजह थी,
बेवजह नहीं जा रहे थे, उनके पास एक वजह थी, तभी वो मुड़ के जा रहे थे अपने घर की ओर, क्योंकि ना उनके पास खाने को था ना उनके पास इतने पैसे थे कि वो उधर रह गुजर कर सकें, और वहाँ के जो ठेकेदार थे, लोग थे, मालिक थे, वो सब उन्हें भगा दे रहे थे। तभी उनका एक मजबूरन उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ा। कई लोग टिप्पणियाँ भी कर रहे थे कि मज़दूर सड़कों पर उतर आए हैं, इन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी क्या मनोदशा थी, उनके क्या विचार थे, वो शायद यही विचार थे जो मैंने अपने लफ्ज़ों में पिरोने की कोशिश की है। हम मेहनत कश मजदूर हैं, अपने घर परिवार से दूर हैं। हम मेहनत कश मजदूर हैं, अपने घर परिवार से दूर हैं। माना बहुत गलती हुई हमसे, पर हालातों से मजबूर हैं। माना बहुत गलती हुई हमसे, पर हालातों से मजबूर हैं। हमसे एक रोटी ही बन पाई है, हमसे एक रोटी ही बन पाई है, आधी भी नहीं खिल पाई है। हमसे एक रोटी ही बन पाई है, आधी ही नहीं खिल पाई है। सभी एक रात से भूखे हैं, सभी एक रात से भूखे हैं। किसी के हिस्से में ना रोटी आई है। हम मेहनत कश मजदूर हैं, अपने घर परिवार से दूर हैं। माना बहुत गलती हुई हमसे, पर हालातों से मजबूर हैं। अब आस लगाऊं भला किससे भी, हाले दर्द सुनाऊं भला किससे भी। अब आस लगाऊं भला किससे भी, हाले दर्द सुनाऊं भला किससे भी। चलते चलते पड़ गए पाँव में छाले, चलते चलते पड़ गए पाँव में छाले। ये जख्म दिखाएं भला किससे भी, चलते चलते पड़ गए पाँव में छाले। ये जख्म दिखाएं भला किससे भी। हम मेहनत कश मजदूर हैं, अपने घर परिवार से दूर हैं। माना बहुत गलती हुई हमसे, पर हालातों से मजबूर हैं। सब एक रात से भूखे हैं, सब एक रात से भूखे हैं। सबकी आंखों में आंसू देखे हैं, सब एक रात से भूखे हैं। सबकी आंखों में आंसू मैंने देखे हैं। कोरोना से तो बहुत मरे हैं, कोरोना से तो बहुत मरे हैं। पर आज भूखे मरते देखे हैं, पर आज भूखे मरते देखे हैं। हम मेहनत कश मजदूर हैं, अपने घर परिवार से दूर हैं। माना बहुत गलती हुई हमसे, पर हालातों से मजबूर हैं, पर हालातों से मजबूर हैं। तो ये एक कविता थी जो मजदूरों के लिए डेडिकेटेड थी मेरे लिए, और मुझे लगता है कि मजदूर जो यहाँ से जा रहे थे, गांव से शहर जाते हैं, जब वो लौट रहे थे वहाँ से, तो उनके अंदर कोई विचार नहीं था कि हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ना कोई बस थी या ट्रेन थी, ऐसे उनकी कोई मीलों पर पैदल चलते, और करीब कई तो ऐसे थे कि मतलब 80 साल के बुज़ुर्ग, कभी 90 साल के बुज़ुर्ग, वो भी पैदल जा रहे थे अपने घर की ओर। उनके क्या दर्द रहा होगा उनका, अगर आप असल मायने में देखें तो क्या दर्द रहा होगा उनका, कि मतलब पैदल जा रहे हैं अपने घर की ओर, ना कुछ साधन है, भूखे हैं और बच्चे हैं साथ में। तो ये एक कविता थी मजदूर के लिए, और कविताएं बहुत सारी इन दिनों मैंने लिखी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, इनसे प्रेरित हुआ। विनोद कुमार शुक्ल जी की किताबें, मुझे उनका लेखन भी बहुत अच्छा लगता है, और मानव कौल जो मेरे प्रिय लेखक हैं, और अभिनय भी करते हैं वो, और लेखक भी बहुत अच्छे हैं, उनकी मैंने लगभग 4 किताबें लॉकडाउन में मैंने दोबारा पढ़ी। एक बार मैं पढ़ चुका था, दोबारा भी मैंने पढ़ा उन किताबों को, जिसमें से सबसे ज़्यादा पसंदीदा उनकी यात्रा रही, बहुत दूर कितना दूर होता है, और विनोद कुमार शुक्ल जी, और लगभग मैंने पीयूष मिश्रा जी, उनकी किताबें मैंने पढ़ी। तो लॉकडाउन में ये समय जो मेरा था, मेरे हिसाब से पूरा मैंने व्यतीत किया इन्हीं किताबों में और अपनी कविताओं में, कहानियों में। और एक कविता अभी मैंने हाल ही में लिखी थी, क्योंकि मुझे कविताएं याद नहीं रहती, इसलिए मैंने नोटबुक में अपने लिखा है, उसी से देख के आपको सुना रहा हूं। भूखे बच्चों की बस्ती,
हम लोग सबकी मनोदशा तो देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा दिन कैसे गुजर रहा है लॉकडाउन में, और बड़ों का कैसे गुजर रहा है, और महिलाओं का, या फिर जो बुज़ुर्ग हैं, जो युवा लोग हैं, लेकिन बच्चों का समय कैसा बीत रहा था, ये किसी ने शायद गौर किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता। मैंने जो गौर किया बच्चों का समय कैसे बीत रहा था, क्योंकि बच्चे तो हमेशा खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, लेकिन उनका समय कैसे था। तो मैंने ये कविता लिखी थी, भूखे बच्चों की बस्ती, आपको सुनाता हूँ। हमारी किलकारी जो आंगन में गूंजती थी, हमारी किलकारी जो आंगन में गूंजती थी, अब वो सारी सड़कें सुनने को तरसती है। हमारी किलकारी जो आंगन में गूंजती थी, अब वो सारी सड़कें सुनने को तरसती हैं। पहले सज सवर के निकलता था गलियों में, पहले सज सवर के निकलता था गलियों में, अब आंखों के काजल को सिर्फ अम्मा देख के हंसती है। पहले सज सवर के निकलता था गलियों में, अब आंखों के काजल को सिर्फ अम्मा देख के हंसती है। हमारी किलकारी जो आंगन में गूंजती थी, अब वो सारी सड़कें सुनने को तरसती है। सारा गांव शहर सुनसान पड़ा है, सारा गांव शहर सुनसान पड़ा है, सुनसान पड़ी भूखे बच्चों की बस्ती है। सारा गांव शहर सुनसान पड़ा है, सुनसान पड़ी भूखे बच्चों की बस्ती है। सिर्फ खान पान महंगा हुआ है, सिर्फ खान पान महंगा हुआ है, मगर जान अभी भी सस्ती है। सिर्फ खान पान महंगा हुआ है, मगर जान अभी भी सस्ती है। हमारी किलकारी जो आंगन में गूंजती थी, अब वो सारी सड़कें सुनने को तरसती है। पहले सज सवर के निकलता था गलियों में, पहले सज सवर के निकलता था गलियों में, अब आंखों के काजल को सिर्फ अम्मा देख के हंसती है। अब आंखों के काजल को सिर्फ अम्मा देख के हंसती है। मैं भी कह कह के थक चुका, मैं भी कह कह के थक चुका हूँ, मिट चुकी मेरी भी हस्ती है। मैं भी कह कह के थक चुका हूँ, मिट चुकी मेरी भी हस्ती है। इंसानियत तो कब की मिट चुकी है, इंसानियत तो कब की मिट चुकी है, बस मिटनी बाकी इंसानों की बस्ती है, बस मिटनी बाकी इंसानों की बस्ती है। हमारी किलकारी जो आंगन में गूंजती थी, अब वो सारी सड़कें सुनने को तरसती है। पहले सज सवर के निकलता था गलियों में, पहले सज सवर के निकलता था गलियों में, अब आंखों के काजल को सिर्फ अम्मा देख के हंसती है। अब आंखों के काजल को सिर्फ अम्मा देख के हंसती है। हमारी किलकारी जो आंगन में गूंजती थी, अब वो सारी सड़कें सुनने को तरसती है। कविता में जिंदगी बोल रही है, विजय शर्मा शुक्रिया। असल में मेरे हिसाब से जीवन ही कविता है, अगर आप एक हिसाब से देखें। जैसे अभिनय है, अभिनय एक समाज का आईना है, हम लोग अभिनय जो करते हैं, मैं भी थिएटर आर्टिस्ट हूँ तो इस चीज़ को बखूबी जानता हूँ कि जो अभिनय है वो समाज का आईना है। इसी तरह कविता या कहानियाँ वो भी समाज के आईने हैं, क्योंकि कविताएं भी, कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो आपको आईना दिखा देती हैं कि असल में हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या है। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से जीवन ही कविता है। तो जीते रहिए, गुनगुनाते रहिए कविताओं के ज़रिए। और देवेंद्र जोशी जो जनसुरकार मंच के लीडर हैं, जो इसी को चला रहे हैं, इस पेज को चला रहे हैं, और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रतिभा, ये रुकनी नहीं चाहिए, ये जो प्रक्रिया है ये हमेशा चलनी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे माध्यम से जुड़ रहे हैं कि जितने भी प्रतिभा हैं जो छुपी हुए हैं, उनको इस माध्यम से आप जोड़िए। मेरी यही रिक्वेस्ट है जिन्हें लोग नहीं जान रहे हैं अभी तक, क्योंकि कुछ प्रतिभाएँ ऐसी होती हैं जो वो हिचकिचाते भी हैं कुछ करने से। मेरी पुरजोर बेनती है कि आप उनको जोड़िए और उनको भी उनके माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और अभिनय के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और जितनी भी कलाएं हैं,
सारी कलाओं को आप इस पेज पे अपलोड करिए, उनसे लाइव जुड़िए, और चाहते हैं कि जो प्रतिभा हैं जो छुपी रह गई हैं वो प्रतिभाएं भी सामने आएं, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े और कविताएं कभी रुकेगी नहीं। किलकारी को सुनने को तरसती सड़के राम रतन सर शुक्रिया। जो बच्चों का बच्चों की क्या मनोदशा रही मैंने वो बताने की कोशिश की है, उम्मीद होगा आपको अच्छी लगी होगी। खुशियों में दुखों का पैरा, ये मेरे बेहद करीब है, घर के नज़दीक समझ लीजिए। खुशियों में दुखों का पैरा है, सुनिएगा। खुशी तो घर के चौखट पे थी, खुशी तो घर के चौखट पे खड़ी थी मुद्दतों से, पर मैं हमेशा घर में दुखों का प्रवेश करता रहा। मेरे घर के चारों कोनों में दुखों का अंबार भर गया, कुछ दुखों को तो घर की दीवार की सीलन खा गई, जिसमें से बरसात के दिनों सौंधी खुशबू आती थी। तो कुछ दुखों को लगता है कि वो सब कुछ निकल जाएंगे जहां बची कुछ खुशियां रहती हैं, और कुछ दुखे दिल के अलमारी में बंद संदूकों को तोड़कर वो भी सुख छीन लेना चाहते हैं जो सदियों से कैद हैं। आजकल मेरे कमरे से झाड़ू बुहारने की आवाजें आती हैं, मेरी माँ वो सारा दुख घर की चौखट के बाहर कर देती है, जिसे मैंने सहजता के साथ घर के भीतर प्रवेश कर लिया था। कुछ दीवारें दीमक के खा जाने की वजह से कभी उन दुखों से उभर ही नहीं पाए। आजकल मेरी माँ सुबह मेरे कमरे के द्वार को जल्दी खोल देती है, इस आस में कि जो खुशियाँ घर के चौखटों के बाहर लंबे समय से बैठे हैं वो भीतर आ जाए। खुशियों में दुखों का पैरा, जो असल में जो खुशियाँ होती हैं उनको कई सारे दुखे खा जाती हैं, उसी चीज़ को डिफाइन किया है मैंने। लेकिन एक जो मेरी माँ है वो उन खुशियों को उन दुखों को बाहर कर देती है, घर के बाहर कर देती है और खुशियों को भीतर कर देती है। इसलिए मेरी माँ आजकल द्वार जल्दी खोल देती है घर का। आपके सामने एक कविता थी जो मैं मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन प्रेम के बारे में है, और मतलब हम लोग ऐसे प्रेम में होते हैं जो कि मतलब कुछ लोग नहीं होते कि साथ नहीं चल पाएंगे, शायद नहीं चल पाएंगे, मेरे साथ गुजारा नहीं कर पाएंगे शायद, ऐसा। तो इसको मैंने डिफाइन किया है, आप सुनिए ज़रा। ये कारवां इतना लंबा है कि तुम बीच में ही थक जाओगी, ये कारवां इतना लंबा है कि तुम बीच में ही थक जाओगी, न चल सकोगी साथ मेरे, मंजिल से खफा हो जाओगी। ये कारवां इतना लंबा है कि तुम बीच में ही थक जाओगी, न चल सकोगी साथ मेरे, मंजिल से खफा हो जाओगी। साथ मेरे तुम चल ना पाओगी इन चट्टानों के टीलों तक, साथ मेरे तुम चल ना पाओगी इन चट्टानों के टीलों तक, तूफान राहों में आएंगी तुम चल ना पाओगी मीलों तक। साथ मेरे तुम ना चल पाओगी इन चट्टानों के टीलों तक, तूफान राहों में आएंगी तुम चल ना पाओगी मीलों तक। मैं भी आखिर में थक हार के तेरे साथ ही रुक जाऊंगा, ये कारवां इतना लंबा है कि तुम बीच में ही थक जाओगी, न चल सकोगी साथ मेरे, मंजिल से खफा हो जाओगी। लो पहुंच गए हैं मंजिल तक एक कारवां को छोड़कर, साथ तेरे अपना हाथ थामे सारे रिश्ते नाते तोड़कर। इस सफर में जो तेरे साथ बीती मैं दुनिया को बतलाऊंगा, ये कारवां इतना लंबा है कि तुम बीच में ही थक जाओगी, न चल सकोगे साथ मेरे, मंजिल से खफा हो जाओगी। ये कारवां इतना लंबा है कि तुम बीच में ही थक जाओगी, न चल सकोगे साथ मेरे, मंजिल से खफा हो जाओगे। साथ मेरे तुम चल ना पाओगे इन चट्टानों की टीलों तक, तूफान राहों में आएंगी तुम चल ना पाओगे बीलों तक। मैं भी आखिर में थक हार के तेरे साथ ही रुक जाऊंगा, न
मैं भी आखिर में थक हार के तेरे साथ ही रुक जाऊंगा। ये कारवां इतना लंबा है कि तुम बीच में ही थक जाओगे, न चल सकोगे साथ मेरे, मंजिल से खफा हो जाओगे। तो यही थी कविता कारवां, जो YouTube पे भी आप YouTube पे पोइट्री एंड यू पे चैनल पे देख सकते हैं इस कविता को। और मेरे कुछ जो पसंदीदा कविता थे वो मैंने आपको सुना दिया है। कविताएं तो बहुत सारी हैं कि टाइम इतना हो जाएगा कि मुझे आधे घंटे तक समय दिया गया था और कुछ संवाद भी करने थे, तो मैंने अपने विचार में थोड़ा सा किया है। मैंने दुखों को बुहारती, खुशियों को आमंत्रित करती माँ, बहुत खूब जी सर। जो एक डिफाइन था आपने, मतलब माँ जो होती हैं वो अपने बच्चे का दुख नहीं देख पाती है, तो इसलिए माँ जल्दी द्वार खोल देती है ताकि वो जो दुखे हैं वो बाहर चले जाएं और खुशियाँ जो हैं वो अंदर आ जाएं, भीतर आ जाएं, करके प्रवेश कर जाएं। देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ऐसे मंच मुझे दिया जिसमें मैंने अपने कविताओं के माध्यम से लोगों को जोड़ सकूं, समाज का आईना बन सकूं। और अब मुझे प्रकृति से मोहब्बत है, तो प्रकृति के लिए, क्योंकि मेरा प्रकृति और मेरा बहुत नाता रहा है, मतलब जो नेचर है, मैं पत्तों से मैं बातें करता हूँ, आप इसमें पागलपन भी कहेंगे, मैं पत्तों से बातें करता हूँ, वृक्ष से बातें करता हूँ, क्योंकि वो बेसहारा है, वो सुना नहीं सकते आपको, आपको बता नहीं सकते कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। तो मैंने एक कविता ऐसे लिखी थी, कविता मैं आऊँगा बार बार और हर बार थोड़ा सा खुद को छोड़ जाऊँगा तुम्हारे पास मेरी प्रकृति। क्या करूँ, बहुत व्यस्त था अपनी ही उलझनों में, पर अब सुलझ गया हूँ, अब मैं पतंग हो गया हूँ और उस पतंग का डोर भी मैं ही हूँ। दूसरे पतंग को काटने में नहीं लगा रहता हूँ, मैं अपनी मौज में उड़ता रहता हूँ इन आसमानों में। सुनो प्रकृति, अब किसी का इंतजार नहीं है, ना ही किसी पे एतबार है, अब मोहब्बत है सिर्फ खुद से, और हाँ थोड़ा थोड़ा सा तुमसे भी मेरी प्रकृति। ये थी प्रकृति कविता। देवेंद्र जोशी जी कह रहे हैं सर और सुनाओ, तो कविताएं सर बहुत हैं, मैं सुनाता रहूँगा, हम सुनते रहेंगे, समय कब बीत जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, कृपया मुझे बताइए। नहीं, मैं सुनाता रहूं और आप शायद बोर हो रहे हो मेरी कविताओं से, क्योंकि कई बार होता है कि सबका टेस्ट जो है वो बहुत अलग है, कि किसी को कविताएं अलग तुकबंदी पसंद है, किसी को कविताएं जो आज़ाद कविताएं होती हैं, जैसे अधिकतर मेरी आज़ाद कविताएं रहती हैं, मैं छंदबद्ध बहुत कम कविताएं लिखता हूँ और आज़ाद कविताएं ज़्यादा लिखता हूँ, मतलब जिनमें शब्दों का कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, बस आप लिखते जाइए लिखते जाइए। ये है कविताएं। मैं थोड़ा सा एक कविताएं आपको और सुनाता हूँ। जो मेरे ख्वाबों वाला शहर है शायद वो ये होता, जो मेरी कविता में है ये वाला। एक छोटा सा शहर यार होता, जहां यारों का यार दिलदार होता। एक छोटा सा शहर यार होता, जहां यारों का यार दिलदार होता। रात कहानी सुन के नींद आ जाती, माँ की गोद में सारा संसार होता। एक छोटा सा शहर यार होता, जहाँ यारों का यार दिलदार होता। बेफिक्री में जब नींद है खुलती,
आंखों में अजब सा खार होता। बेफिक्री में जब नींद है खुलती, आंखों में अजब सा खार होता, उठते ही तुम्हें देखने की लालसा होती, उठते ही तुम्हें देखने की लालसा होती, खिड़की खोलते ही तेरा दीदार होता। बेफिक्री में जब नींद है खुलती, आंखों में अजब सा खार होता, बेफिक्री में जब नींद है खुलती, आंखों में अजब सा खार होता, उठते ही तुम्हें देखने की लालसा होती, खिड़की खोलते ही तेरा दीदार होता। एक छोटा सा शहर यार होता, जहां यारों का यार दिलदार होता। रात कहानी सुन के नींद आ जाती, रात कहानी सुन के नींद आ जाती, माँ की गोद में सारा संसार होता। एक छोटा सा शहर यार होता, एक छोटा सा शहर यार होता। ये मेरे ख्वाबों वाला शहर है, मैं ऐसा शहर चाहता हूँ, मैं ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से सभी के ऐसे रहते होंगे जीवन की, मतलब वो माँ की गोद में सोए और यारों का यार दिलदार हो, जो जैसे होता नहीं कि आपस में यार होते हैं, दो चार यार मिल जाते हैं, टपरी पे चाय पीते हैं कुल्हड़ वाली, वो एक अजब नज़ारा है। और वो मेरे भीतर मेरी कविताओं में पता नहीं कैसे प्रवेश हो जाते हैं ये सब सारे लफ्ज। और मतलब लगता है काफी लोग सुन रहे हैं कविताओं को। शेर सहीन अफरोज, राम रतन सर, राजकुमार सर, देवेंद्र जोशी जी, अरिजीत सेन, सारे व्यक्तित्व तो नहीं मिला हूँ, मतलब कुछ व्यक्तित्व से मिला हूँ, तो बहुत ही अद्भुत उनके विचार और जो समाज के प्रति, राम रतन गुगलिया सर जिनको मैं जानता हूँ अधिकतर, उनके समाज के प्रति जो कर गुजरने का एक वो रहता है, कर गुजरने का, और जो विचार जो उनके रहते हैं समाज को लेके, जो तर्क रहते हैं वो एकदम सटीक रहते हैं। मैं उनकी हर पोस्ट को पढ़ता हूँ और हर विचार उनके जो रहते हैं कहीं ना कहीं हद तक हमारे दिल में प्रवेश करते हैं, घर करते हैं हमारे दिल में। और राजकुमार सर, उनका अभिनय मैंने देखा है और उनका डायरेक्शन भी देखा है, बहुत खूबसूरत डायरेक्शन रहा है उनका एकलव्य में। और एक उनका एक प्ले और था बड़े भाई साहब, जितने भी उनके प्ले रहे हैं मैंने देखी है उनके अभिनय की, और बहुत खूबसूरत अभिनय, बहुत खूबसूरत डायरेक्शन था उनका। और मेरे प्रिय मित्र दीपक कुमार, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, प्रेरित किया इस प्लेस से जुड़ने के लिए और कुछ विचार और कविताएं बोलने के लिए, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और दीपक जी भी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और उनकी कविताएं अधिकतर मुझे लगती हैं समाज को कुछ ना कुछ प्रदान करती हैं, कुछ देती हैं, समाज का आईना बनती हैं। हाँ, एक कविताएं थी रिक्त स्थान। रिक्त स्थान नाम बहुत अजीब है क्योंकि मेरी कविताओं का नाम ऐसा ही होता है। जो छूट गया है, क्या उन रिक्त स्थानों को हम कभी भर पाएंगे? क्या उन घरों में हम दोबारा प्रवेश कर पाएंगे जिन घरों को हम बहुत पहले वीरान छोड़कर आ गए थे? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी जब किसी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां हम पहाड़ की तरह स्तब्ध खड़े रहते हैं, हमारी मुस्कुराहट होठों का कोना छूना भूल जाती है, पलकों पर खुश रहने वाली झूठी खुशी को बरकरार रखने के प्रयास में जुट जाते हैं, पर हमारी झूठी खुशियों का सत्य हमारी नम आंखों में एक दिन खुद ब खुद दिख जाता है। फिर हम एक आईना तलाशते हैं और उस आईने में हम खुद को देखते हैं पहली बार। वैसे तो हम रोज आईने के सामने खुद के चेहरे को देखते हैं, पर खुद को देखना भूल जाते हैं। पर हम उन्हें कभी नहीं भूलते हैं जो दिल के बेहद करीब होते हैं। हम बार बार उन्हें याद करते हैं जो हमसे बहुत दूर हो गए हैं। हम उन्हें याद तो कर सकते हैं पर कभी पा नहीं सकते।
देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर हाँ महसूस ज़रूर कर सकते हैं। आज भी इन्हीं सवालों में उलझा सा रह जाता हूँ कि जो छूट गया है क्या उन रिक्त स्थानों को हम कभी भर पाएंगे? शायद नहीं। ये रिक्त स्थान कविताएं थी, रिक्त स्थान इसलिए कि जो दूर चला गया है वो कभी शायद वापस नहीं आ पाएगा, ये मेरी कविताएं में थी। एक कविता है मेरी माँ है, मैं आखिरी कविता आपके सामने पेश करता हूँ फिर आप सबसे विदा लेता हूँ। कड़ी धूप में सूरज की तपिश में अपने आंचल से छांव कर जाए मेरी माँ, कड़ी धूप में सूरज की तपिश में अपने आंचल से छांव कर जाए मेरी माँ, स्कूल से आते ही तेज बारिश में जो भीग जाऊं तो बाल सुखाए मेरी माँ, स्कूल से आते ही तेज बारिश में भीग जाऊं तो बाल सुखाए मेरी माँ, कड़ी धूप में सूरज की तपिश में अपने आंचल से छांव कर जाए मेरी माँ, खेल कूद में जो चोट लग जाए, खेल कूद में चोट जो लग जाए तो जख्मों पर मरहम लगाती मेरी माँ, खेल कूद में चोट जो लग जाए तो जख्मों पे मरहम लगाती मेरी माँ, पिता से मार खाने की जो बारी आए, पिता से मार खाने की जो बारी आए तो दीवार बन खड़ी हो जाती मेरी माँ, कड़ी धूप में सूरज की तपिश में अपने आंचल से छांव कर जाती मेरी माँ, रात में खुद ही भूखी सोके अपने हाथों से मुझे खिलाए मेरी माँ, रात में खुद ही भूखी सोके अपने हाथों से मुझे खिलाए मेरी माँ, खुद ही दुख पीड़ा में रह के, खुद ही दुख पीड़ा में रह के मुझे हंसाए मेरी माँ, खुद ही दुख पीड़ा में रह के मुझे हंसाए मेरी माँ, कड़ी धूप में सूरज की तपिश में अपने आंचल से छांव कर जाती मेरी माँ, स्कूल से आते ही तेज़ बारिश में भीग जाऊँ तो बाल सुखाए मेरी माँ, तो बाल सुखाए मेरी माँ। ये थी कविता मेरी माँ। मेरे हिसाब से माँ तो सभी दिल के करीब होती हैं और सभी ना सभी एक माँ से एक ऐसा अजीब सा रिश्ता जुड़ा रहता है जिसे हम आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसे परिभाषित नहीं कर सकते, एक ऐसा रिलेशन होता है माँ से। और मेरे ख्याल से आप किसी भी कविताओं को अगर माँ की कविताएं पढ़ेंगे तो आपको एक ज़रूर एक एहसास दिखेगा, एक अपनी आपकी माँ से एक अजब सा रिश्ता दिखेगा, अजीब सा, जिसे महसूस किया जा सकता है, बता नहीं सकते लेकिन महसूस किया जा सकता है उसको, क्योंकि एक माँ ही होती है कि खुद ही भूखा सो जाती है लेकिन आपको भूखा नहीं रखती है। और मैंने ये देखा है, मेरे साथ हुआ है ये, मैंने देखा है। और माँ सबके दिल के करीब है, मेरे तो बहुत दिल के करीब है। तो ये थी कविताएं मेरी माँ, और मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ क्योंकि कविताओं का दौर समय आधा घंटा था और लगभग 40 मिनट हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, मैं कविता लगातार कब सुनाता रह गया। और मुझे लगा होगा कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे और ना बोर हुए होंगे क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बाहर निरंतर कमेंट्स आ रहे हैं। फिरोज़ क्या बात है, फिरोज़ भी बहुत सारी अच्छी कविताएं लिखता है और मैं उसकी कविताएं अक्सर पढ़ता हूं और उम्मीद है वो आगे भी लिखता रहे, बहुत लिखता रहे। और राजकुमार सर कविताएं बोलती हैं आपकी, शुक्रिया सर। कविताएं मेरे हिसाब से बोलती नहीं है वो, आपके दिल से जो अल्फाज निकलते हैं वही कविताएं बोलती हैं आपकी। और उमाकांत शर्मा खुद को भी देख सकते हैं, जी खुद को भी देख सकते हैं, शुक्रिया सर। और आपसे विदा लेता हूँ। देवेंद्र जी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ।
जो इतनी सारी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, छोटी सी लाइब्रेरी है मेरी किताबों की, और सारी किताबें मैं खरीदता रहता हूँ ऑनलाइन। और इसमें से ये ठेले पर हिमालय है, मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये एक कविता है ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती जी की है ये कविता, ये किताब। इसमें उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत को जिक्र किया है, तो मेरे हिसाब से आप ये सब किताबें पढ़ी हैं, ठेले पर हिमालय। मुझे लगता है बहुत खूबसूरत किताब है, धर्मवीर भारती बहुत ही अच्छे लेखक हैं, और हम इनको जितनी बार भी पढ़ते हैं एक अजब सा एहसास होता है। धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय। और ये है मेरी बेहद नज़दीकी किताब, बहुत दूर कितना दूर होता है। ये मानो कौलसर हैं, इनकी किताबें आप ज़रूर पढ़िएगा, और इनकी यात्रा वृतांत है जो फ्रांस में यूरोप में गए थे, तो इनकी यात्रा वृतांत को ज़रूर पढ़िएगा। एक बहुत अच्छा एहसास इन किताबों से है, और बेसिकली मेरी मेरे तो बहुत बेहद करीब है ये किताब, बहुत दूर कितना दूर होता है। प्रेम कबूतर, इनमें ये कहानी, इसमें कहानी का किताब है, सारे कहानियाँ हैं, करीब इनकी 7-8 कहानियाँ हैं प्रेम कबूतर। और ये भी पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि बहुत मेरे दिल के बहुत बेहद करीब है ये सब सारी किताबें, और अक्सर मैं इन्हें पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक गढ़ेंगे नहीं मेरे हिसाब से। तो पढ़ने से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। और एक पंजाब के बुल्ले शाह, आप सभी इनको जानते होंगे, और मैं जल्दी इनके इनके नाटक लिख रहा हूँ, और कोशिश है कि मैं इसे जल्द से जल्द पूरा कर सकूँ। और इनकी एक कहानी है बुल्ले शाह, मतलब इनको गीतों का दौर है, इनमें सारा गीत है, कविताएं हैं, तो ये भी पढ़िए। आप इनके लेखक के नाम देख लीजिए, डॉक्टर हरभजन सिंह, डॉक्टर सुहेब नदवी, इन्होंने ट्रांसलेट किया है, उर्दू है, उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट किया है, और पंजाबी बोल है इसमें, और आप इनको पढ़ सकते हैं। जो सूफी संत थे, बहुत बड़े सूफी संत थे, जिन्होंने एक ईश्वर को बताया कि कौन ईश्वर क्या है, और आप ज़रूर इनको पढ़िएगा। और ये किताब है 1984, इसमें 1984 में जो सिखों पे कत्लेआम हुआ है, जरनैल सिंह है लेखक, जो अभी पत्रकार भी हैं, और इन्होंने आपका लिखा है 1984 से कत्लेआम दा सच, मतलब ये कत्लेआम का सच है। ये पंजाबी में है, आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, अगर ऑनलाइन आप सर्च मारेंगे, किताबों खरीदेंगे तो हिंदी में शायद मिल जाएगी आपको। और 1984 के लिए मैं एक नाटक लिख रहा हूँ, और बहुत जल्द कोशिश करूँगा ये नाटक भी पूरा हो। और 1984 में जो दर्द था सिखों का, क्या जो एहसास थे, जरनैल सिंह जी ने अपने आँखों से देखा था वो एहसास, वो दर्द उस महसूस किया था, उसी चीज़ का जिक्र है इसमें, इस किताब में, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। और सादत हसन मंटो, इनको तो सभी जानते होंगे, इनकी किताब है शरीर और आत्मा। अभी तक मैंने अभी शुरुआत की है पढ़ना, तो बहुत शुरुआती में बहुत अच्छा लगा इनकी किताबों को पढ़ के, और मैं ये सब किताबें पढ़ता रहता हूँ ताकि कुछ सीखने को मिले, कुछ और ज्ञान प्राप्त हो बड़े बड़े लेखकों को पढ़ के। और मुझे उम्मीद है हम सब भी जो पुराने लेखक हैं, जो हमारा साहित्य है, वो हम एक बरकरार रखेंगे, जैसे देवेंद्र सर ये साहित्य को बरकरार रखे हैं, साहित्य को लेके, कला को लेके, क्योंकि जो बिसरती जा रही है कलाएं और कविताएं, कहानियां, तो वो एक कभी ख़त्म ना हो, और ऐसे ही प्रतिभाएं को लाते रहिए। और मैं छोटा सा एक
अभी कहने का मतलब कि समुद्र का एक बूंद भी नहीं हूँ और उन्हीं में से हूँ, समुद्र का एक बूंद भी नहीं हूँ अभी और बूंद बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और समुद्र का बूंद बनने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती है। सीखते रहिए, सीखना एक जीवन ही पूरा सीखना हमेशा चला जाता है मेरे हिसाब से। तो मैं हर एक छोटे बच्चों से बड़ों से सबसे सीखता रहता हूँ क्योंकि आप अगर जिस दिन सीखना बंद कर देंगे उस दिन आपका विकास रुक जाएगा, आपकी कलाओं का विकास रुक जाएगा, आपकी कविताओं का विकास रुक जाएगा। अगर आपसे कोई छोटा भी कहता है कि आपकी कविताएं में थोड़ा सा ये अगर ये डाल देंगे, अगर ये गलत है, तो आप उनको सुनिए, भले आप कुछ मत करिए, भले आप कविताओं को तोड़िए मरोड़िए नहीं, लेकिन आप उनको सुनिए तो सही। अगर आप आपके अंदर अगर आपने कह दिया कि नहीं आप क्या जानोगे कविताएं क्या होती हैं, हम लिखते हैं ना, लेकिन अगर जब जिस दिन आपने ये कह दिया तो आपका एक अहंकार बोलेगा और उस दिन आपका विकास रुक जाएगा। तो मेरी उम्मीद है कि इन्हीं सारी शब्दों से मैं विदा लेता हूँ और शुक्रिया सर, देवेंद्र सर और जन सरोकार मंच टोंक राजस्थान का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया। और ऐसे ही आप मंच रोज़, मैं तो कहता हूँ रोज़ ही एक मंच आप लगाइए, रोज़ नए कलाकारों को लाइए और उन कलाकारों का कविताएं कहानियाँ, ताकि हम सुन सके रोज़ एक नई कविताएं सुन सके, कलाएं सुन सके, देश देश से जितने भी राज हैं सारे दिशाओं से लाइए, और यही उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।